और एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे का कैलेंडर है उसमें आरआरसी लेवल वन जिसको कहते हैं, रेलवे में एक ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसे आप रेलवे ग्रुप डी भी कह सकते हैं, इसे आरआरसी ग्रुप डी कह सकते हैं, इसे लेवल वन की वैकेंसी कह सकते हैं। यह सबसे कम क्वालिफिकेशन से रेलवे में एंटर करने वाली वैकेंसी है। कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जो लेवल वन की वैकेंसी है, जो रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया था, वो साथी लगभग आपके अक्टूबर के दरमियान आनी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीन महीने आपके पास है। अक्टूबर में ग्रुप डी आनी है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 10th क्लास भी होती है और एज में काफी ज्यादा छूट होती है, तो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका पैटर्न, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें एज सुन लीजिए। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट है, तो मिनिमम न्यूनतम 18 से अधिकतम 33, तीन वर्ष की छूट भी मिल रही है। इसमें क्या मिल रही है, तीन वर्ष की छूट, तब ये कह सकते हैं 18 से 36, तो काफी इसमें आयु हो जाती है कवर। ओबीसी है तो याद रखिएगा 18 से 36 नॉर्मल, तीन वर्ष की छूट 18 से 39। एससी एसटी समुदाय के साथी हैं 18 से 38 नॉर्मल, अब इसमें तीन वर्ष की छूट, तो 18 से ये साथी 41 वर्ष, 18 से 41 वर्ष, तो ये हो जाती है आयु। सुन लीजिए, जनरल के लिए 18 से 36 होगी, ओबीसी के लिए 18 से 39 और एससी एसटी साथियों के लिए 18 से 41, ये इसकी आयु है। अब आ जाती है इसकी क्वालिफिकेशन। इसमें 10th पास भी भर सकते हैं, या जिनके पास आईटीआई है वो भी भर सकते हैं। ये लास्ट टाइम जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसके अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें आप देखोगे यहां पर साफ लिखा हुआ है 10th पास और का मतलब होता है या तो ये या ये, आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूशन जिसको एनसीवीटी एससीवीटी इनसे कोई ना कोई मान्यता प्राप्त हो। तो इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे रखा है, जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट डिपो स्टोर, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट जो रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं, ट्रैक मेंटेनेंस। जनरल के लिए आयु 18 से 33, लेकिन तीन वर्ष की जो छूट मिलेगी उसके हिसाब से 18 से 36। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि 18 से 39 जो हो जाती है इसमें, अच्छा तीन, 18 से 39 ओबीसी और 18 से याद रखेगा 41 जो हो जाती है ये साथी तो बेटी रेलवे में तीन वर्ष की छूट सबको मिल रही है। एनटीपीसी में भी मिलेगी, ग्रुप डी में भी मिलेगी, आरपीएफ इसमें भी मिली है, तो इसलिए आप इसमें टेंशन मत लेना। और दसवीं और आईटीआई, अब या तो 10th क्लास है या आईटीआई है, दोनों तरह के लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी आएंगी। इसमें साथी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद में इसमें दौड़ होती है दो प्रकार की, एक बिना वजन के, एक वजन लेकर। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में चार सब्जेक्ट आते हैं, जनरल साइंस विज्ञान अलग से केवल इसमें या एएलपी इत्यादि में पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, मतलब अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। दूसरा आता है मैथ्स, इसके भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और साथ ही जो सामान्य जागरूकता करंट अफेयर और जो समसामयिक है इसके 20 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसमें जो टोटल 100 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको पेपर करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है, मतलब 1.5 आवर आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको एक अंक, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.33, एक तिहाई अंक आपके कट जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई, 10th आईटीआई दोनों भर सकते हैं। एज का भी इसमें काफी आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है, 18 से 36 जनरल, 18 से 39 ओबीसी, 18 से 41 एससी एसटी। चार सब्जेक्ट है जो सामान्य विज्ञान है और पेपर उतना वो नहीं आता कि मार, 10th क्लास की भर्ती है, कोई भी टफ पेपर नहीं है। यह एक बार 2018 में हो चुका है,
एक बार 2019 की वैकेंसी किस में कंप्लीट हुई, तो आपको आप देखोगे प्रीवियस ईयर इतना मटेरियल मिल जाएगा, उसके आधार पर आपको अंदाजा लगेगा। बहुत सरल, उतना टफ नहीं है जितना सोच के चलते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन का पेपर होता, और अच्छा अच्छा इसकी मतलब जो कुछ ऐसे जोन होते हैं जिनकी अच्छी मेरिट जाती है, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत होते हैं। अब इसमें अगर आप सिलेबस देखें, मैथ्स का देखोगे, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, प्रतिशत, समय कार्य, समय दूरी, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीज गणित, ये ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, और जो साथी ये टेबल ग्राफ वगैरह आते हैं। तो सरल, बहुत सरल वाले क्वेश्चंस, कोई भी ऐसे टफ नहीं, सीधे सीधे, वर्गमूल, घनमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप टंकी। तो इसमें एज कैलकुलेशन जो रीजनिंग वाले टॉपिक है, और कैलेंडर और घड़ी, ये आपके मैथ्स के सिलेबस में दिए। इसी प्रकार आप रीजनिंग का सिलेबस देखोगे, एनालॉगी, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशन, संबंध, सिलोक, जंबलिंग, वेन आरेख, वेन डायग्राम, पजल, डेटा पर्याप्तता, ये आपके किस में हो जाते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, निर्णय लेना, डायरेक्शन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग 30 नंबर की, 25 नंबर का मैथ्स, 20 नंबर के करंट अफेयर। इसमें साइंस और टेक्स से जो करंट अफेयर चल रहे हो, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, अर्थशास्त्र, संविधान, और मतलब इसमें हिस्ट्री, ये सब बहुत कम आता है। करंट अफेयर आधारित चीजें इसमें ज्यादा पूछी जाती हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस में 10th लेवल CBSE, NCERT लेवल की जो चीजें वो आती हैं। तो साइंस कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ये हो गए साथे 20 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो रीजनिंग वाला सिलेबस है, रीजनिंग में हो जाते आपके 30 क्वेश्चन, और इधर आप मैथ्स देखोगे, मैथ्स में कितने हो जाते आपके 25। तो 25 साइंस, 25 मैथ, 50, 20 नंबर के करंट अफेयर और जीके, 70 और 30 की रीजनिंग, इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी बढ़िया से, क्योंकि इसमें पेपर होने के बाद में इसमें क्वालिफाइंग दो दौड़ होती है। यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, मतलब 1000 मीटर का मतलब क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़। महिला है तो 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। दूसरा जो इसमें होता है, पुरुषों को 35 किलो वजन लेकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होता है। आपको एक वो मिलेगा गट्ठर, 35 किलो वजन होगा, उसे लेकर 2 मिनट में 100 मीटर, और महिलाओं को 20 केजी 2 मिनट में 100 मीटर। महिलाओं के लिए वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। यह आपको दो दौड़ मारनी है और उसके बाद में साथ ही आपको क्वालिफाई, ये केवल क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो इसी 100 नंबर के आधार पर लगती है। जो फाइनल मेरिट लगेगी वो 100 नंबर से। जोन वाइज वैकेंसी होती है, इस बार उम्मीद अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आने की। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी देख लो कि भाई एज वगैरह आपकी है, 10th ITI या तो 10th की होगी ITI। तो आप सभी लोग अभी से अगर बिल्कुल दिमाग लगाकर चलें, और मान लेता हूं इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप सती प्रीवियस ईयर आधारित अपना कंटेंट तैयार करो, या अभी से आपके पास कुछ नोट्स इत्यादि हो जाएं जिनसे आप बिल्कुल क्रम से तैयारी कर सकते हैं। तो साथी रेलवे ग्रुप डी के बहुत ही सॉलिड नोट्स इस प्रकार से बॉक्स में आपके पास घर पर पहुंचेंगे। जैसे आप ओपन करोगे इस प्रकार के मॉड्यूल निकलेंगे अलग अलग, मतलब इसमें जैसे मैथ्स के 2 से 3 मॉड्यूल, रीजनिंग के, साइंस के, और साइंस के तो आप देखोगे हैंड रिटन NCERT के 7th, 8th, 9th, 10th, इन 3 क्लास से आता है। आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन करके फायदा नहीं उठा पाओगे। अगर आप इसके नोट्स पढ़ोगे अच्छे से, चैप्टर कवर करोगे, फिर क्वेश्चंस लगाओगे, उसका ज्यादा फायदा होगा। तो ये रेलवे ग्रुप डी और ये जो हैंड रिटन साइंस के नोट्स हैं, ये साथ ही फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। कल 7 जुलाई से सेल है, ये मात्र 499 रुपए में। इसमें अगर आप कोई भी देखोगे तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से इसमें टेबल वगैरह, पहले घनमूल, वर्गमूल, और जब चैप्टर शुरू होगा तो चैप्टर के विषय में बहुत क्लियरली चीजें बता रखी हैं, और ये बाइलिंगुअल मतलब समझाने के लिए बहुत ही अच्छे से हर चैप्टर के। इससे क्या होगा, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, पूरी किताब उठाने की जरूरत नहीं है। भाई मेरा एक मॉड्यूल सही हो गया, मेरा दूसरा मॉड्यूल तैयार हो गया, तीसरा मॉड्यूल, लिमिटेड कंटेंट है, इसी को आप 2 से 3 बार पढ़ लो, आपको 90% पेपर कहीं से इधर से उधर नहीं मिलेगा। तो ये सब आपकी एग्जामपुर की
ये जो ग्रुप डी के नोट्स हैं, या फ्लिपकार्ट पर जैसे ही एग्जाम्पल ग्रुप डी नोट्स सर्च करते हो, और ये केवल ग्रुप डी में काम नहीं आएंगे, एनटीपीसी आरपीएफ में भी काम आएंगे, तो ये साथी आपको मात्र 499 में, और ये कैश ऑन डिलीवरी है। ये क्या है? कैश ऑन डिलीवरी, ना तो जब आपके पास पहुंचे तब आपको, लेकिन आप ऑर्डर पहले कर दीजिएगा, ये सब स्टॉक में है, तुरंत निकल जाएंगे। इसी प्रकार ये साथी हमने बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स तैयार करवाए साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 8th 9th 10th, एक में 8th के, एक में साथी 9th क्लास के, एक में 10th क्लास के, ऊपर ही कौन कौन से चैप्टर, बहुत ही बढ़िया राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स, ये मात्र 249 रुपए में, क्योंकि साइंस की बहुत महत्व होता है एनटीपीसी आरपीएफ, और ग्रुप डी में तो 25 नंबर की अलग से होती है, तो ये आपको बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो अगर आप साथी सभी कल 7 जुलाई रविवार से 14 जुलाई तक ये सेल शुरू है, आप कोशिश कीजिएगा शुरुआत में। इस वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश की है कि कब इसका फॉर्म आ रहा है, क्या इसमें आयु है, 18 से 36 जनरल के लिए, 18 से 39 ओबीसी के लिए, 18 से 41 जो अपने एससी एसटी साथी हैं, 10th या आईटीआई दोनों में से ये भर सकते हो आप सभी लोग। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 20 जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के। फिर मैंने इसमें पूरा आपको सिलेबस भी बता दिया, और ये जो हमारे नोट्स हैं ये इसी सिलेबस के हिसाब से बने हुए हैं, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन पूछे गए उसी तरीके से एक एक उदाहरण, और जैसे मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, एक एक चैप्टर में 50-50, 100-100, 200-200 क्वेश्चन लेवल वाइज, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा फीडबैक इसका। आप लोग लेट मत कीजिएगा, फ्लिपकार्ट पर एग्जाम्पल ग्रुप डी नोट सर्च कर लेना, रेलवे नोट सर्च कर लेना, और तुरंत इनको अच्छे से एड्रेस देके ऑर्डर कर देना। विज्ञान के नोट्स बनाना चाहे हैंड रिटेन तो भी, कोई दिक्कत आए तो इस पर कॉल कर लेना, इस पर व्हाट्सएप, ये सब कुछ कैश ऑन डिलीवरी है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पहुंच जाए, इस प्रकार से बॉक्स पहुंचेगा, तब आप अच्छे से इसके पैसे दीजिएगा। ठीक है भैया, ये आपको बहुत मदद करेंगे। आप उल्टी सीधी किताबें लेते हैं, आप ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन आपको कवर नहीं करा पाएंगे 100%, ये आपको 100% कवर करा देंगे। क्वेश्चन से ग्रुप डी नहीं निकलेगा, अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन करना चाहें, ये बात आप समझ लीजिएगा। आपको एक बार थ्योरी अच्छे से करनी होगी, इसमें हर चैप्टर के 7 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, तो बाकी आप सभी साथी 7 जुलाई कल रविवार से 14 जुलाई तक ग्रुप डी के रेलवे के ये नोट्स जरूर आप लोग सर्च कीजिएगा, कहां? फ्लिपकार्ट पर। यही आपको बताना था बच्चा, तो यही कोई दिक्कत हो तो ये ऊपर कॉलिंग नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है,